सत श्री अकाल जी। कैनेडा इमिग्रेशन से न्यू अपडेट है। कैनेडा का प्रोविंस ब्रिटिश कोलंबिया, इन्होंने न्यू अनाउंसमेंट फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए करी हैं। वो क्या करी हैं वो आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर सुनिए। तो ब्रिटिश कोलंबिया ने जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए अनाउंसमेंट करी है कि टेम्परेरी उनको बैन कर दिया गया है फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए 2 इयर्स के लिए। अब 2 इयर्स तक कोई न्यू एडमिशन्स नहीं होंगी, फरवरी 2026 तक, यानी कि ये टेम्परेरी बैन करा गया हैगा। तो ब्रिटिश कोलंबिया अब फॉरेन स्टूडेंट्स की एडमिशन्स नहीं लेगा 2 इयर्स तक के लिए, क्योंकि काफ़ी न्यू जैसे रिसेंटली जो इमिग्रेशन मिनिस्टर जी ने अनाउंसमेंट करी है कैप के अकॉर्डिंग कि 35% जो है कमी लगा रहे हैं हम अपने स्टूडेंट वीज़ास में, तो वही अब जो है कनाडा के प्रोविंस ब्रिटिश कोलंबिया ने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए न्यू मेजरमेंट अनाउंसमेंट करी है कि वो 2 इयर्स तक कोई न्यू एडमिशन नहीं लेंगे फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए। 2026 के बाद न्यू एडमिशन स्टार्ट होंगी, फेब 2026 तक स्टार्ट होंगी, और ये टेम्परेरी बैन है फॉर 2 इयर्स के लिए। तो कनाडा ने फिर जो है ब्रिटिश कोलंबिया की तरफ से एक न्यू जो है शॉकिंग न्यूज़ आ गई है फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। तो आने वाले टाइम में क्या अपडेट्स आती हैं वो आपके साथ में इस चैनल पर शेयर करूंगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक जरूर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच।